गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट लेसन द प्रपोजल को करने वाले हैं। इट इज अ लाइट हार्टेड प्ले। ये प्ले उस समय का है जब रशिया में जमींदारी प्रथा थी और लाइफ स्टाइल्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वो हल्के फुल्के मामलों में लड़ते रहते थे, उनका उसी का एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर 10वीं क्लास में प्ले राइट ने हमारे को दिया है। आइए डिस्कस करते हैं द प्रपोजल। ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैंने P1 लिखा है इसको। लोमो इज 35 इयर्स ओल्ड। अभी ये जो प्ले है इसमें दो करेक्टर मेन हैं, लोमो और नतल्या। लोमो और नतल्या दोनों यंग हैं और नतल्या के पिताजी चुबुकोव। यहाँ पर तीन ही करेक्टर हैं तो डिस्कस करते हैं। स्टोरी सिंपल सी है। 35 लोमो जो है 35 इयर्स का है, 35 साल का है। He wants to marry Natalia. वो नतल्या से शादी करना चाहता है। लोमो comes आता है to propose करने के लिए, यानी प्रस्ताव लेकर आता है। Her father, यानी नतल्या का father, is ready for this proposal. इस शादी के प्रस्ताव से उसका पिताजी खुश है, यानी वो तैयार है। लोमो एज शॉर्ट टेम्पर्ड। लोमो वैसे शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, जल्दी गुस्सा होने वाला। लोमो एंड नतल्या क्वेरल ऑन द ऑनरशिप ऑफ द ऑक्शन मिडोज। जो ऑक्शन मिडोज थी, जो बैलों वाली चरागाहें थी, उनकी और उनके मालिकाना हक पर वो लोमो और नतल्या दोनों लड़ने लग जाते हैं। उनका टॉपिक बदल जाता है। Natalia tells her dog Squeezer better than Lomo's guess. और केवल ये ही चरागाहों वाला विषय नहीं, Natalia जो है अपने कुत्ते Squeezer को Lomo का जो कुत्ता guess था उससे बेहतर बताती है। और इस बात पर भी वो दोबारा से अगेन दे वो झगड़ते हैं। एट लास्ट अंत में चुबुको थक जाता है उनकी बातों से। चुबुको गिव्स नतल्याज हैंड इनटू द हैंड ऑफ लोमो। नतल्या के हाथ को लोमो के हाथ में दे देता है और पीछा छुटाता है। दिस प्ले टेल्स अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ रशिया, लाइफस्टाइल ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑफ रशिया। रशिया में प्ले बना है इसलिए वहां के जमींदारों के जीवनचर्या, कैसे वो लाइफस्टाइल था उनका, उसको शो करता है ये प्ले। दिस इज लाइट हार्टेड प्ले। दूसरी बात, ये हल्का सा प्ले है। इट इज नॉन सीरियस, सीरियस नहीं है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। कुछ मीनिंग है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मीनिंग जो है प्रपोज, यानी शादी का प्रस्ताव रखना। दूसरा मीनिंग अपने पास शॉर्ट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, यानी जल्दी गुस्से में होने वाला। क्वेरल झगड़ना होता है। आसान मीनिंग है ओनरशिप, जो है मालिकाना हक को बोलते हैं। जब आप किसी के ओनर होते हो, मालिक होते हो। मेडोज जो है चरागाहें होती हैं, चरागाहें, चरागाहों को मेडोज बोलते हैं। इसके बाद सिक्स मीनिंग लाइफस्टाइल, जीवनचर्या, आसान मीनिंग है। लैंडलॉर्ड मालिक जमींदार को बोलते हैं लैंडलॉर्ड। और लाइट हार्टेड लास्ट मीनिंग हल्का सा भाव, यानी जिसमें गंभीरता न हो। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट प्ले ऑफ द समरी। वी कैन से दैट इट इज ओनली लोमो करेक्टर, ये भी हम कह सकते हैं। और मैंने इसको पूरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से इसको अपनी कॉपी में उतारिए। इस बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में और पैसेज के क्वेश्चन में इसको प्रयोग करिए। इस मेरे अपने चैनल अपने इंग्लिश भाई विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज का वीडियो नोटिफिकेशन में मिल सके। धन्यवाद।